नंबर वन चैनल के नंबर वन शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना पहल शुक्ला। सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसने नेतन्याहू से लेकर बाइडेन तक सबको डरा दिया है। इसराइल के एक कमांडर ने एक तरह से ऐसी बात कबूल कर ली कि अमेरिका भी इसराइल से कहने लगा है कि अब तुमसे ना हो पाएगा। हमास के खिलाफ इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। गाजा के अंदर युद्ध इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब जान हमास की जाएगी या फिर इजराइल की सेना की, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जान जरूर जाएगी, इसकी गारंटी 100% है। ये गाजा में क्लोज क्वार्टर बैटल का वीडियो है, यानी कमरों में लड़ा जाने वाला बहुत करीबी युद्ध। इसराइल के कमांडो इस इमारत में एक एक कमरे को खंगाल रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, किसकी गोली किसे लगेगी, डर बहुत ज्यादा है। यह गाजा के युद्ध की सबसे खतरनाक पिक्चर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक गाजा में युद्ध अगले 2 महीने तक खत्म नहीं होने वाला, यानी जनवरी और फरवरी के बाद हमास मार्च में भी जिंदा रहेगा, इस बार की पूरी गारंटी दी जा रही है। ये रिपोर्ट इजराइल की सेना के ही एक अधिकारी ने दी है। सवाल है कि 5 महीने युद्ध चला तो क्या हमास बचेगा या इजराइल? इसराइल की सेना को दक्षिण में सिर्फ खान यूनुस इलाके में अपना ऑपरेशन पूरा करने में 4 हफ्तों का वक्त लग सकता है, यानी 1 महीना या कहें पूरा दिसंबर और जनवरी इसराइल की सेना खान यूनुस में लड़ती रहेगी। इसके बाद हमास के खिलाफ पहली स्टेज का युद्ध लड़ने में 1 महीने का वक्त और लगेगा, यानी फरवरी के बाद मार्च में भी युद्ध जारी रहेगा। इसराइल और पश्चिमी देशों की मीडिया को ये बात इसराइली सेना के एक बड़े अधिकारी ने बताई है। उत्तरी गाजा पर कब्जा करने के बावजूद इसराइल की सेना को गलियों में युद्ध लड़ना पड़ रहा है। अब दक्षिण में खान यूनुस की गलियों में जंग जारी है और यहां का युद्ध तो और भी खतरनाक बताया जा रहा है। कुल मिलाकर समझिए कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है। ये युद्ध 7 जनवरी तक भी चलेगा, ये युद्ध 7 फरवरी को भी होता रहेगा और इसके बाद ये युद्ध 7 मार्च को खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी इजराइल और हमास की जंग 5 महीनों से आगे जाएगी। अब इजराइल की सेना के अधिकारी ये बात बता रहे हैं, इसराइल को इसी बात का डर है कि अगर मार्च तक हमास जिंदा रहा तो उसकी बहुत आधुनिक मानी जाने वाली सेना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले ही 2 महीनों के अंदर इसराइल और हमास के युद्ध में बहुत ही खतरनाक टक्कर देखने को मिली है। हमास के एंटी टैंक दस्तों ने इसराइल की सेना की नींद उड़ा दी है, इसमें कोई शक नहीं। बंधकों को छुड़ाने वाले सीज फायर के बाद इसराइल हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा, ये सब जानते थे। इसराइल ऐसी हर कोशिश करेगा जिसकी वजह से हमास के पास ना बचने का रास्ता हो ना भागने का। लेकिन अब जो टक्कर देखने को मिल रही है उसमें हमास के एंटी टैंक दस्तों ने गाजा के हर चौक हर गलियों में इसराइल की सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल की सेना अपना टैंक किस गली में ले जाए और किस में नहीं, और किस गली में जाकर उस पर हमला नहीं होगा, ये गारंटी कोई नहीं दे रहा। हमास की एक बॉडी कैमरा फुटेज इसराइल को मिली है और इसमें हमास के एंटी टैंक दस्तों को बिल्डिंग में छिपे हुए देखा जा सकता है। जिस जगह पर यह दस्ता छुपकर इसराइल पर हमले की फिराक में था वहीं पर इसराइल ने हवाई हमला कर डाला। जाहिर है ऐसे धमाके में कोई जिंदा नहीं बचा होगा। वैसे गाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। हमास का दावा है कि उसने इसराइल के 180 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हमले में फोड़ दिया है। गाजा से लगातार ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें इजरायली टैंक पर घात लगाकर हमले किए गए। इसराइल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन में उसके 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 250 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं।
लिहाजा हमास के खिलाफ जो ताकत इसराइल को माना जाता है उसके मुताबिक नतीजे तो इसराइल को भी नहीं मिले हैं। हालांकि नेतन्याहू के सामने अपनी छवि को बनाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और गाजा पहुंचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नजर आती है। अब जैसा युद्ध चल रहा है उसे देख कर लगता है कि इसराइल को बाकी बंधकों को लेकर ज्यादा फिक्र नहीं है। ऐसे में आगे की लड़ाई और भी खतरनाक होगी। अब इसराइल के ऊपर बंधकों वाला प्रेशर भी पहले के मुकाबले काफी कम देखा जा रहा है, इसलिए इसराइल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है। 2 महीनों के युद्ध के बाद इसराइल की सेना ने जो टारगेट तय किए उसमें से कितने पूरे हुए इस पर नेतन्याहू की पैनी नजर है। 2 महीने के युद्ध के बाद इसराइल को क्या हासिल हुआ? गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। 18,000 लोग इसराइल की बमबारी में मर चुके हैं, लेकिन इसराइल पर रॉकेट अब भी दागे जा रहे हैं। गाजा पर हमास का कंट्रोल बाकी है। हिजबुल्ला के साथ इसराइल का उत्तरी बॉर्डर यानी लेबनन का फ्रंट अब भी एक्टिव है। अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, लेकिन सीधा इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वो यूक्रेन में भी एक्टिव है। ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया इस वक्त इसराइल और अमेरिका दोनों पर हमले कर रहे हैं और इन सबके बीच हमास अब भी जिंदा है, यानी जिसे इसराइल पूरी तरह से खत्म करना चाहता है वो अब भी इसराइल से लड़ रहा है। It remains imperative that Israel put a premium on civilian protection, and there does remain a gap between exactly what I said when I was there, the intent to protect civilians and the actual results that we're seeing on the ground. इसराइल की सेना दावा कर रही है कि वो गाजा में हमास को चारों तरफ से घेर रही है, इसलिए ऑपरेशन में वक्त लग रहा है। लेकिन गाजा से कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जैसे लगता है कि इसराइल की सेना गाजा में बुरी तरह से घिर चुकी है। ये वीडियो हमास के टनल वाले दस्ते ने तैयार किया है, जहां इसराइल की सेना ने कैंप लगाया हुआ है वहां हमास के लड़ाकू दस्ते चुपके से जमीन से निकलकर उन पर नजर रख रहे हैं। ये इसराइल को डराने वाला वीडियो है। हमास की नजर इसराइल के एक एक फौजी पर है। इसराइल को टक्कर देने के लिए हमास ने एक नया वीडियो रिलीज किया है। यहां हमास के रॉकेट दस्तों ने अपने ठिकानों को उजागर करके दिखाया है कि उसके पास इसराइल पर हमले के लिए कौन सा नया हथियार है। ये M19 रॉकेट है जिसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर है। हमास ने कहा है कि वो इस रॉकेट से अब इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला करेगा। ये रॉकेट और इसको दागने वाला मल्टी लॉन्चर ये गाजा का ही कोई हिस्सा है। सवाल है कि क्या ये जगह अब तक इसराइल और अमेरिका की सैटेलाइट की नजर में नहीं आई, ना ही इसराइल और अमेरिका के ड्रोन इसे देख पाए। मुमकिन है ये पुराना वीडियो है और अब हमास ने इसे जारी करके सिर्फ इसराइल में डर पैदा करने की कोशिश की है। गाजा के अलावा इसराइल के लिए उत्तरी बॉर्डर बड़ा खतरा बन चुका है। ये लेबनान बॉर्डर पर इसराइल की बड़ी पोस्ट है और यहाँ हिजबुल्ला ने एक एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और फिर देखिए क्या हुआ। पहले धमाका, फिर पोस्ट का बड़ा हिस्सा ढह जाता है और आग लग जाती है। हिजबुल्ला की तरफ से ऐसे खतरनाक हमले इसराइल की सेना लगातार झेल रही है। जब इसके बारे में नेतन्याहू से पूछा गया तो उनका जवाब भी गौर करने वाला है। सैनिकों के बीच इस तरह के सवालों का जवाब कैसे देना है नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कि אם חיזבאללה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. हिजबुल्ला हो, हूथी हो या फिर हमास, इसराइल के लिए खतरा साफ है और बहुत बड़ा है। हमास अगर मार्च तक जिंदा रहा तो यह युद्ध पलट सकता है। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। उनके सामने दबाव बहुत ज्यादा है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, जल्दी से जल्दी बंधकों को छुड़ाया जाए और जल्दी से जल्दी हमास को खत्म करने का ऐलान किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए इसराइल और नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ा डर है कि अब मार्च तक हमास जिंदा रहेगा। ये बात इसराइल की सेना अपनी रिपोर्ट में कह रही है।
हमास का गुनाह ही इतना बड़ा है कि इज़राइल ने उसे पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में जिसने हाथ डाला है उसने अपना हाथ जलाया है। गाजा जलता हुआ कुआं बन चुका है, जो गिरेगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल को जिसने भी अब तक रोकने की कोशिश की उसको नेतन्याहू ने सिर्फ एक जवाब दिया, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। बंधकों को छुड़ाने के लिए सीज फायर तो कर दिया गया, लेकिन एक बात साफ है कि अब तक इज़राइल के सामने सब फेल हो चुके हैं। इज़राइल के आगे ईरान फेल हो चुका है, इज़राइल के आगे हमास से लेकर हिजबुल्ला और यमन के हूथी भी नाकाम रहे हैं। इज़राइल के सामने सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की जुबान पर ताला लगा है। अरब देश पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। इज़राइल के खिलाफ रूस भी फेल हो गया और इज़राइल ने अमेरिका को भी बता दिया कि वो इज़राइल से है, इज़राइल उससे नहीं, यानी अमेरिका भी फेल है। नेतन्याहू अब कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर तबाही मचाएंगे। उन्होंने अमेरिका को भी इस बात का एहसास दिला दिया है। कि हमास को खत्म करने तक बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हमास की मौत 100% पक्की है, ये नेतन्याहू की गारंटी है। उत्तरी गाजा के अस्पताल इजरायली बमबारी के सबूत बने तो दक्षिण में खान यूनस के रिहायशी इलाके इस बमबारी के सबूत बन रहे हैं। यहां बम गिरा तो 10 लोग फौरन मारे गए, कई घायल हो गए। तबाही की ऐसी तस्वीरें हर जगह दिखी। गाजा में बमबारी रोके इसके लिए इजरायल पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उसका असर शून्य है। इजरायल को अमेरिका से मिल रही मदद इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो फिर से सीज फायर की कोशिश के आगे दीवार बन चुका है। अमेरिका ऐसी बमबारी रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर चुका है। هذا الأسلحة وهذه الصواريخ كلها صنعت في أمريكا وفي دول العالم الغربية ويدعم إسرائيل من أجل القضاء على الشباب والأطفال والنساء والشيوخ حسبنا الله ونعم الوكيل. أمريكا لما اتخذت عدم وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة وفي كل مكان يدعو لوقف إطلاق النار، أمريكا هي التي توقف هذا، تحط حق الفيتو ضد هذا الشعب الذي يموت 24 ساعة قصف ليل ونهار لا يتوقف بالأسلحة الأمريكية. हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को 15,000 बंकर बस्टर बम भेजे हैं। गाजा पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इसराइल को 57,000 तोप के गोले सप्लाई किए हैं। एक तरह से बाइडन मौत बांट रहे हैं, ये इल्जाम अमेरिका पर बार बार लग रहा है। They're keeping these babies alive and they need to keep it up. अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म हो, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि सीज फायर हो। अमेरिका इसराइल को लगातार बम भेज रहा है और इसराइल गाजा पर लगातार बमबारी भी कर रहा है, लेकिन 2 महीनों के बाद भी ये युद्ध जारी है और हमास जिंदा है। सवाल है कि क्या हमास के पास इतनी बड़ी ताकत है और क्या इसराइल इतना कमजोर है कि वो मार्च तक हमास को खत्म नहीं कर पाएगा।